हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप कौता अलीवाल एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देर वॉज अ गैप, मैंने 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला है, थोड़ा बिजी था शेड्यूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। आई होप आज के वीडियो के बाद एक वीडियो और होगा हार्डली इस चैप्टर को करने के लिए। छोटा सा वीडियो ही होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो चलते हैं, करते हैं आगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अदरवाइज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मुझे अप्रिशिएशन देने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि मोनोकोटिलेडन सीड में कौन कौन से पार्ट होते हैं और मेल स्टीड के इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसे एंडोस्पर्मिक ग्रेन भी कहते हैं, ये सब हम लर्न करेंगे यहाँ पे। तो एक तो मोनोकोटिलेडन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 ही कोटिलेडन होगा। और इस तरह के सीड्स में क्या होता है, 1 सीडेड फ्रूट्स होते हैं, उसे हम कैरियोप्सिस बोलते हैं, क्योंकि पेरिकार्प और टेस्टा फ्यूज्ड होते हैं। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं, पेरिकार्प किसे बोला है, टेस्टा किसे बोला है? पेरिकार्प बोलते हैं फ्रूट की आउटर कवरिंग को, जैसे मैंगो खाते हैं ना, मैंगो के ऊपर वाला जो येलो पार्ट होता है, वैसे तो पूरे का पूरा ही येलो होता है, लेकिन जो ऊपर की लेयर होती है जिसे हम नहीं खाते, तो उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। और जो अंदर सीड होता है उसकी जो कवरिंग है उसे हम बोलेंगे टेस्टा। तो अगर टेस्टा और पेरिकार्प में, उसमें तो मेसोकार्प भी होता है, जिसको कि हम खाते हैं उसे हम बोलते हैं मेसोकार्प मैंगो के केस में। लेकिन इन केस ऑफ कैरियोप्सिस, जो कि एक तरह के मोनोकोटिलेडन्स हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं वीट का, राइस का, इनमें ये खुद ही फ्रूट हैं और खुद ही सीड हैं, क्योंकि इनके फ्रूट की जो वाल है इनके सीड की वाल से फ्यूज़ हो चुकी होती है। तो हम कह सकते हैं पेरिकार्प और टेस्टा फ्यूज़ हो चुके होते हैं, मेसोकार्प नहीं होता। तो इस केस को, इस तरह के फ्रूट्स को हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है सीड कोट, इट इज़ आउटर ब्राउनिश लेयर ऑफ ग्रेन, ग्रेन की जो सबसे बाहर की लेयर होती है ब्राउनिश, उस ब्राउन लेयर को हम सीड कोट कहते हैं। इन दिस सीड फ्रूट वाल इज़ फ्यूज्ड विद सीड वाल। तो हमने पहले ये पढ़ा है कि फ्रूट की वॉल और सीड की वॉल आपस में फ्यूज्ड होती हैं, इनके सेंटर में बिल्कुल भी मेसोकार्प वगैरह या कुछ भी मटेरियल नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं सीड कोट इन केस ऑफ कैरियोप्सिस। फ्रूट्स जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, जी बातें हम मेरे दिमाग में आनी चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मल फ्रूट्स को देखते हैं तो हम फ्रूट्स खाते हैं और नीचे से जो बीच से सीड निकलता है उसे हम फेंक देते हैं, उसे हम नहीं खाते। लेकिन कुछ सीड्स ग्रेन्स ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं कि उनके आउटर पार्ट्स में सीड के बाहर कुछ होता ही नहीं है, ऐसे फ्रूट की तरह वो खुद ही फ्रूट के तौर पर एक्ट करते हैं, खुद ही सीड के तौर पर एक्ट करते हैं। तो इस तरह के जो सीड होंगे उन्हें हम कैरियोप्सिस वर्ड बोला जाता है, उनके लिए उन्हें हम कैरियोप्सिस टाइप के सीड कहते हैं, और यू कैन से ये फ्रूट की टाइप है कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस टाइप फ्रूट्स बोलते हैं। ओके, ये हो गया सीड कोट। सीड कोट के बाद है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में क्या होता है, फूड रिजर्व हुआ होता है, रिजर्व का मीनिंग होता है संभाल के रखना, उसे यूज़ ना करके बचा के रखना ग्रोथ के लिए। तो रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म में, और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल में भी क्या क्या होगा, एल्यूरॉन प्रोटीन्स होती हैं एल्यूरॉन लेयर में, एंड स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, इट कंटेन्स अ सिंगल लेटरल कॉटिलेडन, इसमें एक सिंगल कॉटिलेडन होता है और उसे स्क्यूटेलम भी कहते हैं, उसे कहते हैं हम स्क्यूटेलम। और एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो की एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, ऊपर का पार्ट होता है जो शूट बनाएगा उसे पल्म्यूल बोलते हैं, और नीचे का पार्ट
जो रूट बनाएगा उसे रेडिकल बोलते हैं। तो प्रोटेक्टिव शीट्स जो कवर करती हैं इनको, उनको कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजर कहते हैं रिस्पेक्टिवली। जैसे कि जो पल्म्यूल को कवर करेगा उस पार्ट को हम कॉलियोप्टाइल बोलते हैं, और जो पार्ट रेडिकल को कवर करेगा उसे हम कॉलियोराइजा बोलते हैं। तो इसे लर्न करने के लिए आप क्या ध्यान में रखेंगे कि जो वर्ड है पल्म्यूल उसमें भी पी आता है और कॉलियोप्टाइल में भी पी आता है। पी का साउंड यहाँ भी है और यहाँ भी है। पल्म्यूल की कवरिंग है कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल में आर क्या साउंड है, आर से स्टार्ट होता है, और राइजा वर्ड भी आर से स्टार्ट होता है। कोलियो कोलियो तो कॉमन है दोनों में, तो रेडिकल की कवरिंग होती है कोलियोराइजा और पल्म्यूल की कवरिंग होती है कोलियोप्टाइल। आप ऐसे याद रख सकते हैं, पी फॉर पी एंड आर फॉर आर। रेडिकल का आर राइजा बना देगा और जहाँ पे पल्म्यूल का पी टाइल बना देगा, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। जैसे कि इस डायग्राम में सारे के सारे पार्ट्स मैंने लेबलिंग कर रखी है यहाँ पे, तो सबसे ऊपर का पार्ट सीड कोट कह सकते हो आप, उसे पेरिकार्प भी बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही फ्यूज्ड हैं, सीड कोट और पेरिकार्प जो फ्रूट की कवरिंग होती है वो दोनों फ्यूज्ड हैं। इसके बाद ये पिंक कलर की मैंने एल्यूरॉन लेयर दिखाई है, यहाँ से एल्यूरॉन एंजाइम सॉरी प्रोटीन्स वगैरह जो होंगी वो सीड के जर्मिनेशन में रोल प्ले करती हैं। और ये वाला जो पार्ट हो गया ऊपर का उसे हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसके बाद ये हो गया स्क्यूटेलम एंड देन कॉलियोप्टाइल, फिर पल्म्यूल, फिर रेडिकल एंड कॉलियोराइजा। मैं इन सब के जो है आपको साथ साथ ही यूजर्स बता देती हूँ इनका क्या रोल होता है। सीड कोट कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को, क्योंकि सीड में सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये एम्ब्रियो ही होता है ना, ये एम्ब्रियोनिक पार्ट है। इसमें इसका पल्म्यूल जो काफ़ी नाजुक सा होता है और रेडिकल भी नाजुक होती है, तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सीड कोट ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी पानी के साथ या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ उसे ईजिली ख़त्म कर दे। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सीड कोट नेचर में डिवेल्प होती है। तो इसके बाद एल्यूरॉन लेयर का जर्मिनेशन में रोल होता है। एंडोस्पर्म फूड रिजर्व रखता है, और जो स्क्यूटेलम है वो एक तरीके के से बीच प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में। ये कंडक्शन का काम करता है, फूड ये एंडोस्पर्म से फूड रिसीव करेगा और एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम करेगा। ओके, एंड देन हमने एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा, स्क्यूटेलम का रोल ये हो गया कि वो बीच फूड कंडक्शन का काम करवाता है। इसके बाद कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा जो कि हम अभी करके चुके हैं कि ये कवरिंग है पल्म्यूल और रेडिकल की। पल्म्यूल की ऊपर कवरिंग है जो इसे काफ़ी यंग कंडीशन में प्रोटेक्ट करती है, उसे कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल की जो कवरिंग है उसे कॉलियोराइजा बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, ये स्ट्रक्चर है मेज के सीड का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। मेज के सीड को अगर हम लेंथ वाइज ऐसे कट करते हैं ब्लेड की हेल्प से, तो जो अंदर से स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगी वो हमने इस डायग्राम में स्टडी की। ओके, आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं फ्रूट के बारे में। फ्रूट क्या होता है, राइपन्ड ओवरी होती है। जब ओवरी राइप हो जाती है, पक जाती है, तो उसे फ्रूट बनता है। और फ्रूट दो तरह का होता है, ट्रू और फॉल्स फ्रूट। अगर तो डायरेक्टली ओवरी से ही, सिंगल ओवरी से और सिंगल फ्लावर की सिंगल ओवरी से फ्रूट की डेवलपमेंट होती है, कोई भी और पार्ट जो है पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। इसके उल्टा जो होता है फॉल्स फ्रूट, जब कोई अदर फ्लोरल पार्ट FLORAL यहाँ पे RAL होगा, तो फ्लोरल पार्ट अगर कोई ओवरी के अलावा और फ्लोरल पार्ट जो है पार्टिसिपेट करते हैं फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो हम उस तरह के फ्रूट को कहेंगे फॉल्स फ्रूट। अगर अकेली ओवरी फ्रूट बना रही है तो उसे ट्रू फ्रूट। अगर उसका कोई और पार्ट जैसे केलेक्स, थैलेमस, ओवरी में क्या आता था, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, तो ये जो पार्ट हैं पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। अगर इसके अलावा कोई करेगा तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे।
तो सारे के सारे एग्रीगेट और मल्टीपल फ्रूट जो हैं फॉल्स फ्रूट होते हैं, जैसे कि एप्पल, फिग एंड स्ट्रॉबेरी। सो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।